नमस्कार दोस्तों, ब्लॉग मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल सर्च कंसोल क्या है और गूगल सर्च कंसोल आपके ब्लॉगिंग को गूगल में के सर्च इंजन में रैंक करने में कितना बेनिफिट करता है। बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं लेकिन गूगल सर्च कंसोल के बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। इसका कारण क्या होता है कि इसके कारण आप जब आप ब्लॉगिंग करने लगते हो, आपका कॉन्टेंट कितना भी जेन्यून हो, आपका ब्लॉग का जो स्ट्रक्चर है कितना भी सिंपल आपने रखा हो, गूगल का जो टीम है उसको रीड नहीं कर पाता है, तो क्योंकि आपने गूगल सर्च कंसोल को अच्छे से यूज नहीं किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गूगल सर्च कंसोल है क्या और किस तरीके से ये आपके ब्लॉग को रैंक करने में बेनिफिट पहुँचाता है। दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। ब्लॉगिंग के रिलेटेड जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल को समझने से पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा। जैसे आप ब्लॉग लिखते हो, ब्लॉग बनाते हो, उसमें बहुत सारी कैटेगरी बना करके आप ब्लॉग बनाते हो, लेकिन जब गूगल उसको रैंक करने जाता है तो गूगल का जो इम्प्लॉय होता है जिसको गूगल बोट कहते हैं, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली ये एक मशीन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जो कि आपके ब्लॉग को आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग गूगल के सर्च इंजन में रैंक करता है। गूगल का जो बोट होता है वो आपके ब्लॉग को पढ़ता है, पढ़ने के बाद में उसे अगर उसे लगता है कि इसे इस कैटेगरी में रैंक कर देना चाहिए तो वो उसे रैंक कर देता है। लेकिन गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे गूगल सर्च कंसोल कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने ब्लॉग का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि आपका ब्लॉग किस URL के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है, आपका ब्लॉग का जो डोमेन ऑथोरिटी जो ऑनर है वो कौन है, साथ ही साथ आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो उसमें डिफाइन होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज आपने हिंदी का कोई ब्लॉग बनाया है जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट लेवल को लेकर के आपने इंफॉर्मेशन दी है, जैसे क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, अर्न मनी के बारे में जानकारी दी है, फूड रेसिपी के बारे में जानकारी दी है। तो ये सारा कुछ आप गूगल सर्च कंसोल में जैसे ही आप सबमिट करते हो आप अपने वेबसाइट को, अल्टीमेटली आप अपने वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन गूगल सर्च कंसोल में डाल देते हो। इसका फायदा क्या होता है कि जब गूगल बोट गूगल सर्च कंसोल में जाता है और वो देखता है कि आपका ब्लॉग ऑलरेडी यहाँ पे लिस्टेड है, तो वो आपके ब्लॉग पे नहीं जाता है, वो गूगल सर्च कंसोल से सारा इंफॉर्मेशन उठा लेता है। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप किसी भी एक्सेल में कोई डेटा को 1x1 करके आपने रखा हुआ है, उसको समझना आसान होगा, या फिर एक ऐसा डेटा है जिसमें सारा डेटा मिक्स करके रखा हुआ है उसको समझना आसान होगा। ऑब्वियस है, आप एक्सेल में जिसको बिल्कुल क्लासिफाइड करके बिल्कुल सिंपल करके जो डेटा को रखेंगे उसको रीड करना आसान होगा। तो गूगल सर्च कंसोल वही करता है कि आपकी जो ब्लॉग की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपके ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या है, आपके ब्लॉग का लेवल क्या है, आपके ब्लॉग का टॉपिक क्या है, आपके ब्लॉग का मेन कीवर्ड क्या है, आपका ब्लॉग किस जगह के लोगों को टारगेट करके बनाया गया है, इस तरह की इंफॉर्मेशन गूगल सर्च कंसोल अपने पास रखता है। और जैसे ही गूगल का एम्प्लॉई आपके ब्लॉग को रैंक करने के लिए, आपके ब्लॉग को रीड करने के लिए आता है, वो उसे रीडायरेक्ट कर देता है गूगल सर्च कंसोल पे और वो वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन उठा लेता है, जिससे आपके ब्लॉग को रैंक करने में बहुत ही आसानी होता है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि गूगल सर्च कंसोल के बिना आपके ब्लॉग को रैंक करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारे न्यू ब्लॉगर जो होते हैं वो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो कुछ इन्फॉर्मेशन आजू बाजू से पढ़ लेते हैं कि आपके ब्लॉग को ऑटोमेटिक रैंक कर दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है ठीक है, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो, जैसे 2-3 साल में आपका ब्लॉग रैंक कर जाए तब तो ठीक है, आप आराम से कर सको। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपको अपने ब्लॉग का जो डेटा है गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है। वंस यू सबमिट योर डेटा इन गूगल सर्च कंसोल, गूगल का जो बोट होगा उसको पढ़ेगा और आपके अकॉर्डिंग आपका जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके ब्लॉग को गूगल में रैंक करेगा। इसका बहुत सारा बेनिफिट होता है, जो आप गूगल सर्च कंसोल में जैसे ही डालते हो आपके ब्लॉग के पेज को एनालाइज किया जाता है, आपके जिस भी पोस्ट को, जिस पोस्ट पे आपको एनालाइज गूगल बोट जिस पोस्ट को रीड नहीं कर पाता है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे छोड़ के जाता है। आप गूगल के सर्च कंसोल में जाते हो तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके जो गूगल का जो गूगल बोट था उसने आपके ब्लॉग पे क्या क्या एक्टिविटी की है। ये दोनों तरीके का होता है, गूगल का जो सर्च कंसोल होता है उसको आप भी यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि आपका जो गूगल ने आपके ब्लॉग को क्यों नहीं रैंक किया है। साथ ही साथ गूगल का जो इम्प्लॉई होता है वो आपके गूगल सर्च कंसोल को यूज करता है आपके ब्लॉग के कैटेगरी को या फिर आपके ब्लॉग के जो क्षेत्र है
कहाँ के लिए ये ब्लॉग बनाया गया है उसको रैंक करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों ये था गूगल सर्च कंसोल के बारे में मेरा वीडियो। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए मेरे चैनल को। अगर आप ब्लॉग मेंटरिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, नोटिफिकेशन में मेरा नंबर दिया गया है, आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आईडियली अप्रिशिएट।